डायपर चेंज करने के लिए सारा सामान अपने पास रखें। सामान में हमें मास्क, क्लीन ग्लव्स, नया डायपर, वेट वाइप्स, हैंड सैनिटाइजर और डायपर डिस्कार्ड करने के लिए गार्बेज बैग की जरूरत होगी। रूम के अंदर आने से पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें। अंदर आते वक्त दरवाजा बंद करें, जिससे हम मरीज को प्राइवेसी दे सके। क्लीन ग्लव्स और मास्क पहने, साइड रेल्स नीचे करें। मरीज को बताने के बाद बेडशीट नीचे की तरफ लाए। हम चाहते हैं कि प्रोसीजर करते वक्त हमारी बेडशीट खराब ना हो। मरीज को पोजीशन देने के लिए उनके दोनों हाथ उनकी छाती पे रखें। अब मरीज को बताएं कि आप उनका पजामा खोलेंगे। ध्यान दें कि आप जो भी काम करें उससे पहले आप मरीज को बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। डायपर खोलने के बाद टेप वाला हिस्सा डायपर पे ही चिपकाए, ताकि वो मरीज की स्किन पे ना लगे। डायपर से कभी प्राइवेट एरिया को साफ ना करें, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। वेट वाइप्स ले। हमेशा ध्यान दें कि सफाई ऊपर से नीचे की तरफ होनी चाहिए। डायपर को अंदर की तरफ फोल्ड करें। मरीज को समझाने के बाद करवट दें। प्राइवेट पार्ट की सफाई हमेशा आगे से पीछे की तरफ होनी चाहिए। अब प्राइवेट पार्ट में डायपर रैश क्रीम या पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डायपर को फोल्ड करें और उसको गार्बेज बैग में डिस्कार्ड करें, ताकि मरीज को इन्फेक्शन ना हो। नया डायपर ले। ध्यान दे कि टेप वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आए। डायपर को अंदर की तरफ फोल्ड करें। ध्यान दे कि आपका डायपर बीचों बीच हो। मरीज को वापस सीधा करें। फोल्ड किया हुआ हिस्सा बाहर की तरफ निकालें। डायपर लगाते हुए हमेशा ध्यान दे कि डायपर इलास्टिक के सहारे ही डायपर को ऊपर लाया जाए। इससे लीकेज को हम बचा सकते हैं। टेप को हमेशा डायपर के प्लास्टिक वाले पार्ट पे लगाएं। ग्लव्स निकालें। मास्क निकालकर भी डिस्कार्ड करें। अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें। मरीज को पजामा पहनाएं। मरीज को कंफर्टेबल पोजीशन दें और उनको चादर ढकाएं। Care24 is leading home healthcare company in India, serving from last 4 years. Collectively in Mumbai and Delhi, we are serving 1,000+ patients per day. Care24 provides services like medical attendant, nursing, physiotherapy, and infant care. Our team ensures multidisciplinary approach based on patient's condition.